कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इतनी तादाद में आए और मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि आप ये फंक्शन बहुत सक्सेसफुल कर दिए इनाम, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही सक्सेस हुआ। जब लोग इतनी तादाद में आते हैं तो इतने लोग औरतें इतनी आती हैं तो फंक्शन ऑलवेज बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। मैं आप लोग से बिल्कुल दिल से बात करूंगा। देखिए, मैं कोई चीज लिख के पढ़ लिख के लाता नहीं हूँ, या जो मेरे दिल में आता है वही कहता हूँ। मैं अभी मैं यहाँ पीछे की रोड से आ रहा था तो इतनी गंदी रोड है और इतने गड्ढे हैं, तो मेरे देखो इतनी गंदी रोड है और इतने गंदे गड्ढे हैं, गड़े हैं, जैसे हैदराबाद में बाहर यूपी में गड्ढे बोलते हैं, यहाँ पे गड़े हैं। ऐसा लगता है कि किसी को कमर में दर्द हो जाए या नेक पेन हो जाए अगर वो गड्ढों में आएंगे तो हालत यहाँ पे इतना खराब है। शेख पेट में आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी इतनी बड़ी लोकैलिटी, इतने बड़े बड़े सोसाइटीज है, यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट जीरो है। जो यहाँ के आपके कॉर्पोरेटर जो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं करे, यहाँ पे खाली लड़ाई झगड़ा, लोग को डराते हैं, स्लैब के पैसे लेते हैं, नलकी टूटी अगर किसके घर में लगती है तो उसके भी पैसे लेते हैं। ये बिल्कुल सबको मालूम है और ये कोई बात छुपी हुई बात नहीं है। और ये कहते हैं कि मैं लोग इनके पार्टी कह रही कि मैं यहाँ से पैराशूट कैंडिडेट हूँ। पैराशूट कैंडिडेट कौन सा होता है? पैराशूट कैंडिडेट बिल्कुल नहीं। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, हैदराबाद में पैदा हुआ और इंशाल्लाह हैदराबाद में ही मरूंगा मैं, और आपके सामने और आपके बीच में पूरी काम करूंगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ यहाँ पे। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं पैराशूट कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल सरासर जुड़े, और ये कह रहा है कि कोई अगर 3 जीतने के बाद अगर बाहर चले जाएंगे काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सरासर जुड़े। क्योंकि इससे पहले मेरे लोग जो मुरादाबाद से आए थे, उन्होंने आपसे कहा है मुरादाबाद में कितना काम किया। अगर कोई आदमी मुरादाबाद में नहीं जाता है तो काम 4.5 करोड़ का काम कैसे हो सकता है बताइए। और ये कहते हैं कि इनको ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अजरुद्दीन तो मुरादाबाद से भाग गए, अजरुद्दीन तो इधर आए थे। पहले बताइए, इनको बोलिए, इनसे पूछे कि इनको क्या दम है कि यहाँ से कोई बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, पहले जीत क्या बताइए, उसके बाद अजरुद्दीन से बात करिए। मोहम्मद अजरुद्दीन जो हैदराबाद हो गए, तेलंगाना का जो है रहने वाला है, आज मुरादाबाद में जीत के बता दिया कि मैं इंटरनेशनल में लोग मुझे पसंद करते हो और कहीं पे भी जाऊंगा मैं जीत के बताऊंगा। ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेकार सी बातें करते रहते स्पीच में या बैठ के स्टेज पे बैठ के इतनी बातें करते हमारी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये बात इनकी बातों से जो ये भड़कावे की स्पीच देते हैं, ये कहते हैं इनसे हमारी कम्युनिटी में उत्तर प्रदेश में बिहार में हर जगह पे परेशानी हो रही है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े और हर मुसलमान बन रहे, लिंचिंग हो रही है और गलत गलत काम मुसलमानों के साथ हो रहे। इन्होंने क्या कह रहे हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान की रहबरी करते हैं। अगर एक मुसलमान यहाँ पे ठहरता है तो आप दूसरे मुसलमान को ठहराते हैं और हराने की कोशिश करते हैं। यही तो काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, यही काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह का पहुंच, यूपी में जाते तो 50 सीट लड़ाते, बिहार में जाते तो 100 सीट लड़ाते। जब यहाँ से आपका जो गोशा महल में जो आपका रहने की जगह है, आपका ऑफिस है, आपका राजा सिंह, वहां से बिल्कुल हमारी कम्युनिटी के लिए आपके खुद पर्सनल इतनी गंदी गंदी बातें करता है, मैं वो बातें नहीं करना चाहूंगा। उसके बारे में आप एक बात भी नहीं करते, उसके बारे में एक चीज भी नहीं करते, और वहां से आपका कैंडिडेट नहीं लड़ाते। कौन सी ज्यादा कर रहे, क्या बात कर रहे हैं आप, बोलेंगे पैराशूट कैंडिडेट के कैंडिडेट बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इनके BRS पार्टी जो इनके साथ इनके जुड़े हुए हैं, आज कहिए कि उनके एक आज जो मिनिस्टर थे, उनके जो मिनिस्टर है उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है, उन्होंने फारूक रजू को KCR से जोड़ते हैं, क्या थोड़ी शर्म आना चाहिए। और अगर ये पार्टी रहता तो बिल्कुल मैं रहता तो बिल्कुल बंधन छोड़ देता था, क्योंकि आप मुसलमान हो के ये बात कैसे आप बोल नहीं सकते। आज एक स्टेटमेंट नहीं दिया उसके बारे में, आप बताइए एक स्टेटमेंट दिए कोई, हमारी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुसलमान की रहबरी करते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल बेकार सी बातें करते हैं। और यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, BRS पार्टी
बिल्कुल फेल करी है उनके एक भी स्कीम यहाँ पे नहीं हुई। केटीआर साहब बोलते हैं कि वह ठहर गए, अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स की गलियां नहीं मालूम, अजहरुद्दीन को हर गली मालूम है। अजहरुद्दीन हर गली में गया। मैं आपसे आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि केटीआर साहब कितने बार शक फेंकना है वो बताइए, मैं बता सकता है? कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, कोई आने एक बार नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करते आप बोलते बंगाल तेलंगाना बोलते, आज जुबली हिल्स की हालत देखिए, जो हैदराबाद में एक बड़ी लोकैलिटी है जुबली हिल्स, उसका ही डेवलपमेंट अगर नहीं कर सके तो आप बंगाल तेलंगाना के बारे में क्या कहते हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि जिंदाबाद बंगाल तेलंगाना कौन से क्या बोले आप? पूरे वक्त की पूरी प्रॉपर्टी आज किधर गई? वक्त की प्रॉपर्टी जो जितने रिकॉर्ड वक्त के बनकर लॉक करके रख दिए गए, आज वक्त में जो डिजिटलाइजेशन हुआ, जो डिजिटलाइजेशन हुआ जो वक्त में चार्ट हुआ था कांग्रेस की पार्टी में, आज बंद हो चुका। आज कोई डिजिटल है ही नहीं, वहां पे कोई डिजिटलाइजेशन ही नहीं है पार्टी ऑफिस में। और वक्त के इतने प्रॉपर्टी आपने गए 70,000 या 77,000 एकड़ वक्त की प्रॉपर्टी थी, आज पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। आज वक्त में आप कुछ नहीं है। वक्त में गवर्नमेंट बोलती है हम जुडिशियल पावर देंगे, कब तक हो गए जुडिशियल पावर? 10 साल हो गए, कौन सा जुडिशियल पावर दे रहे? आज उर्दू अकेडमी आप जाइए बैठे, कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, बस खाली आप चाहते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नाम चढ़ते, जो आइन लिखा हुआ उसमें से नाम आइन हटा देते, क्या काम कर रहे हैं क्या बताइए? क्या पूरे 55 तो 56 यूनिवर्सिटी आज बंद हो चुके हैं क्योंकि लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही नहीं, पैसे नहीं है, लोग पढ़ नहीं सक रहे। अब क्या बड़ी बात है, डेवलपमेंट का बात है? अरे बेसिक आप लड़कों एजुकेशन नहीं दे सकते? जो गलियां हैं जुबली हिल्स की जो हालत है बिल्कुल इतनी गंदी हालत है। अब इतना कोई डेवलपमेंट 10 साल से कोई डेवलपमेंट, एमएलए मांगंडी गोपीनाथ हमें मेले होते 10 साल से क्या क्या डेवलपमेंट करे, बस उनको राउडीज्म लड़ाई झगड़ा मारम तोड़ी। और आज लड़के ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिए, 14-15 साल के लड़के आज ड्रग्स ले रहे हैं। आप जाइए पूरे जुबली में लड़के बैठे रहते 2-2, 3-3 बजे तक अपने बाहर घरों के बाहर रहते, और इसकी वजह ये है कि आप कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे और यूथ को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, यूथ आगे बढ़ना चाह रहा है बट आप यूथ को काट दे रहे, आप ये गलत गलत चाले कर रहे, यही काम कर रहे। और ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं उनके दो लड़के बाहर रहते तो गुंडों से लड़ाई झगड़ा कराते, और जो भी आदमी हमारे कैडर के जो आदमी होते कैडर के उनको हर बार झड़ाते, क्या मैं अजहरुद्दीन के साथ क्यों फिर रहे, उनके साथ क्यों फिर रहे? क्योंकि अजहरुद्दीन के साथ फिरना उनके उनके हम अपने से आए हुए, किसी अजहरुद्दीन ने किसी को दावत नहीं दी, अजहरुद्दीन ने बस बोला उनको देख के अजहरुद्दीन आया, और मैं उनको सिर आंखों पे आता हूँ उन लोग का मेरे और मेरे जो कैडर के लोग है। और बिल्कुल ये मैं राइट राउडीज्म बिल्कुल होने नहीं दूंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे लोग आधे लोग मैं जाता हूँ तो डर में रहते हैं, घर में रहते कि हमारी बिल्डिंग कोई खींच लेगा, अगर हम उनके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे हम वोट कुछ अगेंस्ट बोले तो हमारी बिल्डिंग खींच लेगा, हर चीज में यही कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा काम कोई नहीं हो रहा, यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है, राउडीज्म हो रहा है, यही तो कर रहे हैं एमएलए कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं किए। और जो शतपेट में आए सुनने में आए हुए तो लोग आने भी नहीं थे उनको, बोले क्या क्यों आ रहे शतपेट में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए? तो ये है देखिए आपके ये काम है, यहाँ पे काम हो रहा है आपका बीआरएस पार्टी। आपने 10 साल से जो तेलंगाना जो मिला जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना दी, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत हाथों में गया है। 10 साल से आप लोग देखे, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। आपको बीआरएस पार्टी हमारी कम्युनिटी को हमको हमारे गुरुओं को पूरा हम पीछे पिछड़े चले गए, जितना आगे बढ़ना चाह रहे हो उतना पीछे बढ़ना चाह रहे, बस खाली वोट चाहिए, काम नहीं कर रहे हैं इनको, यही काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। अभी चाहे कितने स्कीम बोल रहे, ये स्कीम बोल रहे, वो स्कीम बोल रहे, हमारे जो 6 गारंटीज है इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, हम ये गारंटीज को पूरा करेंगे। और उसके ऊपर मेरी एक गारंटी है यहाँ पे, सातवीं गारंटी ये कि आप जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज है आपको मेरे कहने आना नहीं पड़ेगा, मैं आपका नहीं आगे अगर उस दिन काम नहीं होगा तो बजरुद्दीन का गिरवान पकड़ के लात मार के हैदराबाद से बाहर निकाल दी, वो भी मुझे मंजूर है। मैं आया हूँ यहाँ पे खाली काम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके हाथ मुंह पे खुशी देखने के लिए मैं आता हूँ, तो कहीं पे भी लोग डर में है सहमे हुए, क्यों सहमना चाहिए बताइए? कहाँ किसको क्या निजाम है कि लोग कह रहे हैं कि हम सहम करें? कौन सा रिलीजन बताता है कि हम सहम करें? हर आदमी को
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हर चीज होनी चाहिए। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है कि आप आराम से रहे, दूसरों को भी रहने दे, हमको भी रहने दे, डराने धमकाने से कुछ नहीं होता, वोट ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नारायण कांग्रेस पार्टी को आप वोट डालिए, पूरे एक तरफा वोट डालिए, जैसा कर्नाटक में हो वैसा एक तरफा वोट डालिए। इंशाल्लाह आपके काम अगर नहीं होंगे तो हजरतीन को आप पकड़ना, उनके बारे में आज नहीं, आप वादा करके जा रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आप इमरान भाई भी बैठे हुए और जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे, हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे कांग्रेस में, आपको वादा कर रहा हूँ आप एक तरफा वोट डालिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मुझे जिताइए यहाँ से। इंशाल्लाह आप देखिए काम कैसा होता, मुझे काम करना आता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हजरतीन नहीं है, मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं 25-30 साल में फील्ड पे रहा हूँ, आपको तो पता होगा मैं फील्ड पे रहा हूँ 25-30 साल, तो मुझे फील्ड पे कैसा रहना है और फील्ड पे क्या करना है, फील्ड पे किससे काम लेना है, किससे नहीं काम लेना है, वो मुझे पता है। मैं फील्ड का मैं 10 साल कैप्टन रह चुका हूँ, ऐसे ही कैप्टन नहीं रहता हूँ। ये अल्लाह ताला का इनाम है मुझे, और ये इनाम कोई भी नहीं ले सकता है। हम बोल रहे कि वो क्रिकेटर आया, 100% वो क्रिकेटर आया, इसीलिए तो आपके नीचे से पूरा जमीन निकल गई, इसी वजह से आप क्रिकेटर क्या बोलते। आज मैं क्रिकेटर हूं और पॉलिटिशियन भी बन सकता हूं, वो क्रिकेटर बिल्कुल नहीं बन सकते। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, ये अल्लाह की तरफ से, और मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें आप लोगों ने हैदराबाद में जितने लोग हैं, मैं जब छोटा था, जब खेलता था, जब से मैं जो इंडिया का खेला, फिर कैप्टन बना, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से, आपके बड़े आप लोग तो मेरे ख्याल में अभी बहुत से लोग बच्चे, मैं रिटायर हुआ तो पैदा भी नहीं होंगे, बट आप लोगों की दाने, आपके दादा और अजदाद की दुआओं से मैं आज यहाँ पे ठहरा हूँ, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे 100-2000 लोग हैं, उसमें से अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई तो इंशाल्लाह कहीं आजाद है, मैं करूंगा कि आप लोग दुआ करिए मेरे लिए कि यहाँ से मैं जीतूं, इंशाल्लाह आपके लिए पूरा हर चीज का काम करूंगा।